हम सबका सौभाग्य का विषय है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी कल मध्य प्रदेश उनका दौरा है। इंदौर के अंदर 10:30 बजे वो पहुंचेंगे, उसके बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे और भगवान के दर्शन करने के बाद वहाँ से फिर देवास के अंदर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वसहायता समूहों के आधार पर बने हुए पोषण सेंटर का लोकार्पण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उस एक बड़े प्रकल्प का जो पोषण संयंत्र है उसका लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण करने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंदौर के अंदर पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी मोर्चों के अध्यक्ष और जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है उनके साथ एक बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इंदौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आयोजित होगी। इस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिन भर का एक दौरा मध्य प्रदेश के अंदर, कल उनका व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हमारे सभी इंदौर के, उज्जैन के, देवास के कार्यकर्ता उत्साह के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे की तैयारियों में व्यापक तौर पर लगे हैं और एक भव्य स्वागत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मध्य प्रदेश के दौरे पर होगा। इसलिए स्वागत की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ जुटे, यही एक आप सब लोगों को आज मुझे जानकारी देनी थी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, महिला दिवस के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी, हमारा महिला मोर्चा ही नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला दिवस के कार्यक्रमों को ऐतिहासिक तौर पर हम मनाते हैं और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार ने जो स्वसहायता समूहों के आधार पर जो पोषण संयंत्र का लोकार्पण हो रहा है, ये महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है इस देश के अंदर और उसके आधार पर जो चीज़ें होंगी वो महिला स्वसहायता समूहों को एक सशक्त बनाने का बड़ा अभियान इस पोषण सेंटर के माध्यम से हमारी जो सरकार कर रही है, तो ये महिला दिवस के अवसर पर ही स्वागत है और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लोकप्रिय नेता उसका लोकार्पण करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उस लोकार्पण में उनके साथ रहेंगे। इसलिए महिला दिवस पर इतनी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की सरकार ने तो दी है और भी महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे अलग अलग यूनिट, हमारे मोर्चे, सभी लोग इस दिशा में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जुटेंगे और एक अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, जो इस बार भी करेंगे। हमने देखा कुछ दिनों पहले मोहन भागवत जी भी आए, वो भी मालवा में रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, वो भी मालवा में है। महाकाल का दर्शन तो सभी करने आते हैं? नहीं, ऐसा कोई विशेष नहीं है, हम तो सभी जगह पर जाते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पूरे देश के अंदर, वो केरल के अंदर भी दौरा कर रहे हैं तो तमिलनाडु के अंदर भी कर रहे हैं, तो वो गोवा के अंदर भी कर रहे हैं, तो वो झारखंड में भी कर रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। कोई मालवा, मध्य प्रदेश ही हमारा फोकस है, मालवा क्यों? इसलिए मध्य प्रदेश के दौरे पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हमारे लिए गौरव का विषय और पूरे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही, लेकिन उज्जैन, इंदौर, देवास के अंदर जो विशेष तौर पर वो उपस्थित रहेंगे सारे कार्यकर्ता, उनके स्वागत की व्यापक तैयारियों में जुटे। अब ये तो मुझे लगता है कि मैं बहुत पहले से इस बात को कहता आया हूँ कि उनके बारे में हमें कुछ कहना, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये देश, ये समाज और ये मध्य प्रदेश, सारे लोग उनको देख चुके हैं और देख रहे हैं उनके क्या हालात हैं। कांग्रेस एक परिवार तक सिमट के रह गई है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता या हम नहीं कहते, ये दिखता है सामने जनता को, लोगों को लगता है कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो हालात हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से हम सब लोग अपने काम में, अपनी लाइन को आगे कैसे बढ़ाएं, इस काम में हम सब लोग जुटे हैं। हमें इससे कोई बहुत, मुझे लगता है कि लेना देना भी नहीं है। इसके बारे में तो कमलनाथ जी से पूछना चाहिए, कमलनाथ जी ऐसा आपके दल में हो रहा है तो इसका आपका क्या जवाब? महिला दिवस पूरा है ही, बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद है
और केदारनाथ का भी आशीर्वाद है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर के मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारा जो प्रदेश के नेतृत्व में है, जिसमें उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी और हमारे बाकी राज्यों के नेतृत्व में, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में इतिहास बनाएगी। पंजाब से लेकर के अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, विधान बैठक कोई एजेंडा नहीं, चूंकि माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, 5 राज्यों के चुनाव संपन्न कराने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और चूंकि वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो टीम है, हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ हमारे जो नेता हैं, उनके साथ सहज तौर पर जो हमारी प्रदेश की एक बैठक है वो इंदौर के अंदर